हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम हांगकांग के एम प्लस म्यूज़ियम में खड़े हुए हैं। तो इसको हम घूमने आए थे। तो एम प्लस म्यूज़ियम जो है, इसके नाम से पता चल रहा है कि एम मतलब म्यूज़ियम और प्लस मतलब म्यूज़ियम एंड मोर। तो म्यूज़ियम के अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये बेसिकली हांगकांग में जो बनाया गया है, इसलिए क्योंकि 20th एंड 21st सेंचुरी के जो कल्चर था ना हांगकांग का, और उसको उसका जो है विजुअल प्रेजेंटेशन है, और इसमें बहुत सारी मूविंग इमेजेस हैं, विजुअल आर्ट है, और हांगकांग का कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ का। इसके साथ ये म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हम थोड़ा आने में लेट हो गए थे, तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि 6 बजे बंद हुआ था ये म्यूज़ियम। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही आराम से घूमने वाला है, बहुत कुछ देखने के लिए है यहाँ पर। और जैसे कि नाम से म्यूज़ियम एंड मोर, और यहाँ पर ना बहुत काइंड्स ऑफ मतलब बहुत सारी फिल्में भी दिखाई जाती हैं जो कि पुराने ज़माने की है, और इसके साथ साथ मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, मूविंग इमेजेस भी है। या सामने देखें कि सारे ऑब्जेक्ट्स हैं मूविंग, और बिल्कुल रियल लग रहे थे ये स्टैचूज़। और ये मूव भी करते हैं, जब ये बटन दबाते हैं तो ये पूरा व्हीलचेयर आगे पीछे इनकी मूव होती है। और मैंने बहुत ही क्लोजली इनको ऑब्जर्व किया, एक एक चीज बिल्कुल एकदम रियल लग रही थी। लग नहीं आता कि ये स्टैचू, ऐसा लगता था कि रियल लोग बैठे हुए हैं, और कोई इधर देख रहा है, कोई मुंह नीचे झुका के बैठा हुआ है। तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा था और बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पर अगर आप हांगकांग आ रहे हैं तो एम प्लस म्यूजियम जरूर आइएगा, और टाइम देख के आइएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ देखने को है, तो जल्दी आइएगा। म्यूज़ियम जो कि बहुत ही अच्छा है, और हमें बहुत कुछ घूमा। मैंने बहुत से वीडियोस भी डाले, आप देखिएगा उसमें। और एम्प्रेस म्यूज़ियम 6 बजे बंद हो जाता है, और अभी हम जा रहे हैं शिमशा शुई, जहाँ बहुत सारे इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। हम पहले भी जा चुके हैं वहाँ पर पहले हम मेट्रो से गए थे, और आज हम टैक्सी से हमने की है, तो हम टैक्सी से वहाँ जा रहे हैं, और आज हम नया रेस्टोरेंट वहाँ पर ट्राई करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं शिमशा शुई। फाइनली हम पहुंच गए थे द ट्राइब्स। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसके रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो हमने रिव्यू को फॉलो किया था, और रिव्यू देख करके हम यहाँ पर आए थे। और काफ़ी स्पेशियस था ये रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा था, और यहाँ का मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो हमें बहुत कुछ ऑप्शंस मिल गए थे खाने के। तो काफ़ी अच्छा डिनर करने के बाद हम वापस जा रहे थे अपने होटल, तो हमें एक मॉल दिखाई पड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो हम वहाँ चले गए थे देखने के लिए। और इतना बड़ा मॉल था, इतना खूबसूरत था, इतने बड़े बड़े ब्रांड थे यहाँ पर, और मेरे तो होश ही उड़ गए थे देख करके। और बहुत ही ज़्यादा महंगे ब्रांड्स थे, और इतने सुंदर सुंदर पर्स मिल रहे थे, तो मैंने कुछ लिया नहीं, सिर्फ देखा बाहर से, और बाहर से देखने में काफ़ी मज़ा आ रही थी। और इस मॉल ने काफ़ी फ्लोर में, काफ़ी सारे फ्लोर्स थे इस मॉल में, आप सारे फ्लोर तो नहीं घूम पाए, पर बहुत कुछ देखने को था। क्रिसमस का तो इतना सुंदर डेकोरेशन किया गया था, और बहुत ही सुंदर लगा था जो देखने में, तो हमें लगा कि
काफी रात भी हो रही थी तो बंद होने वाला था, तो फिर ज्यादा तो हम नहीं घूम पाए, लेकिन इतना सुंदर डेकोरेशन था क्रिसमस का, देखते ही मजा आ गया। हांगकांग से हम निकल चुके हैं मकाऊ के लिए। तो मकाऊ जाने के लिए दो फेरी टर्मिनल होती हैं, एक हांगकांग फेरी टर्मिनल और दूसरी होती है शेंगवान। तो आपको ये देखना है कि आपने जहाँ अपना होटल बुक किया है उसका ब्रीचिंग फेरी टर्मिनल कौन सा है। तो हमने बुक किया है शेरटन होटल, तो हम जाएंगे शेंगवान फेरी टर्मिनल। टर्मिनल पहुँचने के लिए टैक्सी भी चलती है और MTR से भी आप जा सकते हैं। हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो हमने टैक्सी प्रेफर की है, तो हम टैक्सी से शिंगवान फेरी टेम्पल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मकाओ जाने के दो ऑप्शंस और हैं जो कि बाय रोड है, एक है टैक्सी और दूसरा है बाय बस। टैक्सी में नॉर्मल टैक्सी नहीं चलती है, उसमें केवल लिमोजिन ही चलती है जिसका किराया काफ़ी ज़्यादा है, 5000 HKD है, लगभग 60,000 रुपये। और बस भी चलती है, अगर आपको सी सिकनेस है तो आप बाय बस ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा तो चीपेस्ट ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन बाय रोड मकाओ जाने के लिए अवेलेबल है। तो अब हम फाइनली शिवांगवान टर्मिनल पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। फाइनली हमारा टिकट हो गया है टर्बोजेट से, बिजनेस क्लास का हमने करवाया है। तो बिजनेस क्लास का फेयर है 495 हांगकांग डॉलर, इकोनॉमी का फेयर है 175 हांगकांग डॉलर एंड प्रीमियम इकोनॉमी का है 350 HKD मतलब हांगकांग डॉलर। तो हमारा इमिग्रेशन हो गया है और हमारे 335 की फेरी है, तो हम उसी के लिए वेटिंग लॉन्च में बैठे हुए हैं। यह है बिजनेस क्लास का वेटिंग लॉन्च। जैसे ही हम बोर्ड होते हैं आपको दिखाते हैं अंदर का क्या सीन है।各位乘客，欢迎乘搭喷射飞航。我哋嘅目的地系澳门氹仔客运码头，航程大约一小时。为你哋嘅安全着想，请喺航行期间安坐为中，并扣上安全带。请小心移动摆放喺你前座椅背嘅气旋程。Turbojet, our destination is Macau Taipa Ferry Terminal. The journey is expected to take about 1 hour. For your own safety, please remain seated with your seat belt fastened throughout the voyage. तो हम बोर्ड हो चुके हैं अपनी फेरी में और लकली वी आर द ओनली वन इन दिस बिजनेस क्लास। और फेरी हमारी चल चुकी है, हमारा स्नैक्स भी आ गया है, ये कुछ सैंडविच आया है मतलब क्रोसोन विद फील्ड कुछ है मुझे नहीं पता ये, और चाय भी है, कॉफ़ी भी है, ड्रिंक ऑप्शंस भी हैं बहुत सारे इसमें, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है। अब हम अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 14th फ्लोर पे है।
और जैसा कि आपको पता है कि हम रुके हैं शेरेटन ग्रांड मकाओ होटल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होटल है मकाओ का। यहाँ पर लगभग 4,000 रूम्स हैं और इसके साथ साथ इसे 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। और ये वहाँ की लॉबी है जहाँ अपने जहाँ से हम अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। शेरेटन ग्रांड मकाओ होटल जो है वो कोताई स्ट्रिप के पास है, और इसमें इस होटल में बॉल रूम भी हैं और कई सारे सीट्स भी हैं, फैमिली रूम्स भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और आउटडोर पूल भी हैं। और इसके साथ साथ 5 टाइप्स के यहाँ पर रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड किए गए हैं, और जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन खाने को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर होटल है, हमारा रूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इस रूम में सबसे अच्छी बात ये थी, यहाँ का बेड भी काफ़ी बड़ा था जो 3 लोगों के लिए सफिशियंट था सोने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं अपना रूम। कहीं पर भी मकाओ में आप रुक सकते हैं, आपको हर जगह कसिनो, शॉपिंग मॉल और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी आपके होटल के अंदर ही, क्योंकि होटल्स के से कनेक्टेड ना बहुत सारे मॉल हैं और कसिनोज भी होटल के अंदर हैं। तो शेरटन में भी काफ़ी सारे कसिनो थे, बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल था, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप थी, जैसे कि द लंडनर मकाओ, द ग्रैंड कैनल शॉप्स, पर्सियन शॉप, सिटी ऑफ ड्रीम्स, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चाहिए थी इस मॉल में देखने के लिए, और ये हमारे होटल से कनेक्टेड ही था। तो मकाओ बहुत बड़ा नहीं है, तो सब कुछ ना वेल लिंक्ड है। तो अगर आप होटल के अंदर हैं और जरा से होटल्स के आप बाहर अंदर ही अंदर आप मॉल पहुंच गए, आप मॉल ही इतना ज़्यादा बड़ा और इतना खूबसूरत कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपके होटल में बहुत सारे कसिनो हैं, तो बहुत ही सुंदर था। और ये है मकाओ एफिल टावर, जो कि पेरिस के एफिल टावर की रेप्लिका है,
और ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल्स हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं। ये कोताही स्ट्रिप एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट, कसिनोज हैं। और यहीं पर आईफिल टावर भी है मकाऊ का। इसकी हाइट 160 मीटर है। ये पेरिस के आईफिल टावर का आधा ही है ऊंचाई पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर द लंडनर, ये है, ये होटल है, ये मॉल भी है इसके अंदर। और मकाऊ में बहुत बड़े बड़े कसिनो हैं, तो इसलिए बिल्कुल रात भर ऐसा लगता है कि पूरा शहर जगता है रात भर। और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है, बहुत मतलब सब कुछ बहुत ही सुंदर लगता है। और चारों तरफ लाइटिंग है, ऐसा लगता है कि किसी तरह का जश्न मनाया जा रहा है रोज रात भर। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये पूरा कोताही स्ट्रिप है जहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कसिनो, मॉल्स, सब कुछ यहाँ पर है। अब हम अपने होटल के अंदर जा रहे हैं और यहीं पर कैसीनो भी हैं, कई सारे कैसीनो हैं यहाँ पर। और ये है हमारे होटल के अंदर आने की एंट्री, हमारी एंट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सामने बग्घी देख रहे ना, कितनी सुंदर लगी हुई है। और ये टाइल्स देखे नीचे की, कितनी शाइन है स्टाइल्स में, मतलब इतना सुंदर लगा था। और ये पूरा आर्किटेक्ट इतना खूबसूरत था ना, हर जगह का। आप होटल में का देख लीजिए, होटल में से कनेक्टेड जो मॉल है वहाँ का आर्किटेक्ट देख लीजिए, बहुत ही सुंदर बनाया गया था सब कुछ। अब हम निकल चुके हैं टीम लैब सुपर नेचर मकाओ के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये भी कोताही एक्सपो में ही है। इसका टिकट है 288 HKD, और यानी कि 3,500 लगभग इंडियन रुपीस में है। और ये इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसको देखना। फ्रेंड्स, ये म्यूजियम रोज 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुलता है और वेडनेसडे को ये क्लोज रहता है। और यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइटिंग इफेक्ट्स करके बहुत ही खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। कहीं पर डार्क है, कहीं पर बहुत ही ब्राइट थीम है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो अगर आप बहुत अच्छी अच्छी फोटोज चाहते हैं अपनी इंस्टा के लिए, अपने लिए, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। पहुँचे हैं मकाओ के बहुत ही खूबसूरत जो है टीम लैब नाम की जगह पे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस, मतलब है डिजिटल डेकोरेशंस है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फोटोजेनिक है। आप जैसे देखें चारों तरफ,
आपको मकाओ आ रहे हैं तो आप इसको जरूर आज देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है ये। नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पर हमें ग्रीन टी ऑफर की गई, साथ में ग्रीन टी फ्लेवर्ड आइसक्रीम भी दी गई, तो ये लाइटिंग पड़ रही है ग्रीन टी पे, और पूरा जो है यहाँ का टीम लैब है पूरा डार्क थीम पे है, सिर्फ लाइटिंग से रोशनी की गई है हर जगह। तो आपको ना जो है पूछना पड़ेगा लोगों से कि हमने ये सेक्शन देख ली है और क्या है देखने के लिए यहाँ पर, तो लोग टीम लैब के खड़े होते हुए आपको गाइड करते रहेंगे, ये बहुत कुछ है, समझ में नहीं आता कि अब हमें कहाँ जाना है, तो आपको पूछना पड़ेगा लोगों से। इस म्यूजियम में आए वहाँ पर एक पार्ट ये भी है, सेक्शन है ये, तो बस सारी बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स हैं, और जो आपको एकदम हल्का सा आपके पास क्लोज आ जाती हैं, फिर आपको उनको ऐसा ऐसा हटाना होता है, ऐसे करके आप लिफ्ट भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके, तो बड़ी मज़ा आ रही है, बचपना याद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर ले रही है, क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतने सुंदर सुंदर इफेक्ट्स आ रहे थे, फ्लावर्स, कहीं झरने बह रहे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, काफ़ी सारे पोज ले लिए मैंने, बहुत सारे फोटोज ले ली, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
समय हम उस कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं जहाँ पर वेनेशियन मॉल और कैसिनोज हैं और बहुत सारे अदर होटल्स भी हैं और बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है। तो चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। इतना सुंदर नज़ारा था आसपास, कितना फाउंटेन बह रहा है, बहुत ही सुंदर उसमें स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इतना सुंदर आर्किटेक्ट किया गया था सब कुछ। और ये मकाओ में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं से एक जगह नहीं, आपको हर जगह इतना ही सुंदर सब कुछ देखने को मिलेगा, इतना ही सुंदर आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये पोर्तुगीज एंड चाइनीज जो आर्किटेक्ट है उसका जो है आर्किटेक्चर है इसका यूनिक ब्लेंड है, यूनिक मिक्सचर है, और जो कि बहुत ही उभर के बहुत ही खिल के सामने आया है। और सब कुछ इतना मेसमराइजिंग है कि आपको लगेगा कि आप सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लो, जितना ज़्यादा हो सके रिकॉर्ड कर लो, आपका मन नहीं भरेगा। तो बहुत ही खूबसूरत था हर जगह। और ये है चाइनीज डिज़ाइन गोल्ड ज्वेलरी की, जो कि बहुत ही डिफरेंट थी और मैंने ऐसी डिज़ाइन कहीं देखी थी, और ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन थी। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कितनी डिफरेंट डिज़ाइन की चीज़ें हैं, मतलब, और क्योंकि बहुत ही सुंदर थी, सब कुछ गोल्ड का था तो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अलग था। तो फ्रेंड्स, आज हम आए थे तैपा विलेज, जिसको देखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं सोच के आई थी कुछ विलेज होगा, कुछ पुराने घर होंगे बहुत सारे और कुछ अलग सा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आध घर है जो कि बहुत पुराने हैं और थोड़ा सा उन्होंने ब्यूटीफाई कर रखा है, थोड़ा सा सड़कें अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अच्छा है और मौसम भी अच्छा रखा है यहाँ पर, तो अच्छा लगा था। तो वैसे अगर आप पर्टिकुलर तैपा विलेज घूमने आए हैं तो घूमने के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मकाओ का लोकल फूड खाने में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारी गलियाँ हैं जब छोटी छोटी शॉप से वहाँ पर लोग लाइन लगा कर खड़े हुए हैं फूड के लिए, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैं तो आप उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हाँ, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छा है, बाकी देखने लायक ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। बेसिकली तैपा विलेज में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर खाने का बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, लोकल फूड मिलता है। एक तरह से ये मकाओ का हॉट स्पॉट है, जो कि विजिटर जहाँ पर आते हैं और ट्रेडिशनल चीज़ें खाते हैं। और यहाँ पर मैं कोकोनट आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ, जो कि बेसिकली प्योर कोकोनट से बनी थी, कोई भी उसमें मिलावट नहीं थी, ऐसा लगा था कि बस कोकोनट को बिल्कुल चिल्ड करके सर्व किया हो, ये बिल्कुल नेचुरल आइसक्रीम थी। तो बेसिकली ये पूरी विलेज की जो मार्केट है ये लोकल फूड के लिए जो है फेमस है, और लोग यहीं पर आकर के आते हैं और लाइन लगा के बहुत सारे पॉपुलर
स्पॉट है फूड के, जहाँ पर लोग लाइन लगाते हैं और इंजॉय करते हैं मील को। और ये इस स्ट्रीट की बहुत ही फेमस स्वीट शॉप है, जहाँ पर गजक बन रही है। इंडिया में हम इसे गजक कहते हैं। सेम चीज़ थी, गुड़ और तिल को ये सॉफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर डिफरेंट जो है, मूंगफली की भी थी, मेवे की भी थी, पर सेम चीज़ हमारे इंडिया में मिलती है। हम से गुड़ की पर मूंगफली की पट्टी, गजक इसे बोलते हैं। तो ये बहुत फेमस शॉप है ऐसी चीज़ की। और यहाँ पर कुकीज़ भी बहुत सारी मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, हम टैपा विलेज के लिए आए थे। तो यहाँ पे एक स्ट्रीट है, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया बेकरी की शॉप्स हैं। ऑथेंटिक ट्रेडिशनल बेकरी है मकाओ की। तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सामान देते हैं आपको, आप टेस्ट करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सामान पैक करवा सकते हैं। तो हमने भी बहुत कुछ टेस्ट किया और बहुत कुछ पैक करवाया है। तो अगर आप टैपा विलेज के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस स्ट्रीट पर आप जरूर आइएगा। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बेकरी की शॉप्स है। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं मकाऊ फूड फेस्टिवल देखने के लिए। ये मकाऊ टावर के जस्ट अपोजिट है और बहुत ही बाहर से दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मकाऊ फूड फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शन है खाने के, जो कि हांगकॉन्ग, चाइना, मकाऊ के सारे खाने के ऑप्शन हैं यहाँ पर। और काफ़ी भीड़ है, पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सफाई है। और साथ में आप मकाऊ टावर का व्यू देख करके आराम से खाना खा सकते हैं और फोटोज भी ले सकते हैं। और बहुत ही मज़ा आ रही है यहाँ पर, और ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है खाने के। वेनेशियन मॉल के फ्लोर लेवल 3 पे हैं, और यहाँ पर लाइटिंग का ऐसा इफेक्ट डाला गया है कि ऐसा लगा कि इवनिंग का समय है। और इस समय रात के बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं रात के, और ऐसा लग रहा है कि शाम का समय है। इतना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर बोट राइड भी होती है, जो कि इसमें बंद हो गई है, शाम के 7 बजे तक ही होती है केवल। और बाकी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मॉल की छत ऐसे लग रहा है कि बादल उड़ रहे हैं और बर्ड्स उड़ रही हैं। लग रहा था कि बादल है, छत है ही नहीं। तो ऐसा सुंदर इफेक्ट दिया गया था, बहुत ही सुंदर था मकाओ। और यहाँ पर 3 दिन का स्टे तो जरूर होना चाहिए। आप आइए तो 3 दिन यहाँ पर जरूर रखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
Thank you.